वैसे तो धरती गोल है, पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि धरती का मिड पॉइंट कहाँ है, तो शायद आप गहरी सोच में पड़ जाएंगे। तो आइए चलते हैं धरती के केंद्र बिंदु की ओर। ये जगह है उत्तर प्रदेश के स्थित कानपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर, जिसके बारे में मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस जगह पर सृष्टि की रचना से पूर्व यहाँ पर तपस्या की, और प्रतीक के तौर पर यहाँ एक खूंटी गाड़ी, जिसे आज ब्रह्म खूंटी कहते हैं, और जिस जगह बैठकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, वो जगह ब्रह्मवर्त घाट के नाम से प्रसिद्ध है। बिठूर आने पर यहाँ और भी कई पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिलता है। यहाँ पर भगवान राम ने सीता का त्याग किया था, और यहीं संत वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना भी की थी। कहा जाता है कि बिठूर में ही बालक ध्रुव ने सबसे पहले ध्यान लगाया था, और स्वयं नारायण ने ध्रुव की तपस्या से खुश होकर यहीं ध्रुव को दर्शन भी दिए थे। बिठूर अपने पौराणिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिकता के लिए भी जाना जाता है। 1857 के संग्राम के केंद्र के रूप में भी बिठूर को जाना जाता है। यही वो जगह है जहां नाना राव पेशवा की स्मृतियां आज भी उनके महल के खंडरों के रूप में तरोताजा हैं। इन्हीं खंडरों में लक्ष्मीबाई का बचपन भी बीता है, जहां उन्होंने शस्त्र शिक्षा ग्रहण की। बिठूर इतिहास के पन्नों में अंकित उन सुनहरे अक्षरों से वर्णित वो गाथा है, जिसकी स्याही वक्त दर वक्त फीकी पड़ती जा रही है। जरूरत है तो बस उन्हें सहेजने की, क्योंकि ये इतिहास ही तो है जो भारत को विश्व के नक्शों में एक अलग स्थान देता है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू होने के लिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।